बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स के बीच शुमार किए जाते हैं। आर्यन अपने स्टाइल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच आर्यन खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रही एक शिप पर छापा मारा जिसमें ड्रग्स पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में बॉलीवुड फैशन और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों के शामिल होने की खबर सामने आई थी और इसी मामले में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ की है। जी हाँ, अभी जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बीती रात मुंबई के क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापामारी की और इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने आड़े हाथों लिया है। एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा, आर्यन पर किसी भी आरोप में मामला दर्ज नहीं किया गया है, उनसे पूछताछ यहाँ पर ज़रूर की जा रही है। शनिवार को मुंबई के समुद्री में क्रूज पर चल रही ये ड्रग पार्टी थी जिस पर कार्यवाही करते हुए एनसीबी ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। 10 लोगों को हिरासत में लिया है। ये जहाज मुंबई से गोवा जा रहा था। हिरासत में लिए गए लोगों में से 2 हरियाणा और दिल्ली के ड्रग तस्कर हैं। इस पार्टी में एंट्री के लिए हर शख्स ने 80,000 रुपये से ज़्यादा की फीस दी है। फिलहाल इस रेव पार्टी के पीछे दिल्ली की किसी कंपनी का हाथ बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है आपको बता दें, अभी शाहरुख खान के बेटे की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया गया था और उन्होंने किसी भी तरह की कोई फीस इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए नहीं दी थी। हालांकि अभी तक इस प्रकरण पर पूरी तरह से एनसीबी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आर्यन ने पार्टी के दौरान वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, रेड ओपन शर्ट और कैप लगा रखी थी। अब देखना होगा इस मामले में अब और कितने बड़े खुलासे होते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।